गोरखपुर। तो कल हम लोग गोरखपुर में रुक गए थे, तो आके रुके थे इस जगह पे। इस होटल का नाम है स्टिंग कंफर्ट इन। तो यहाँ पे पार्किंग का भी सुविधा है, तो आप अगर आते हो तो ज़रूर इधर आना। और इस भैया ने ये सब पैकिंग करने में बहुत हेल्प किया, थैंक यू सो मच। ट्राई कर दीजिए इसको। सो अब मैं निकलूँगा दिल्ली के लिए। दिल्ली या फिर आगे जा पाएंगे देखते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन है दिल्ली। सो चलो चलते हैं और रास्ते पे आप लोगों से बात करते हैं। दूसरे दिन के राइड के लिए एकदम रेडी और चलो चलते हैं। सुबह को बज चुका है 9:30, बहुत बहुत हो गया है। 7 बजे को निकलने का प्लान था, 9:30 हो गया है। शहर से निकलते हैं गाइस, क्योंकि हम लोग थोड़ा अंदर थे, तो शहर से निकलते हैं, हाईवे पे जाके आप लोगों से बात करते हैं। और ब्रेकफास्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ने कुछ भी नहीं खाया अभी तक। तो ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे लखनऊ। आज शायद आगरा लखनऊ और यमुना ये सब करते करते निकल जाएगा। हाई रोड पे तो आ गया था, और यहाँ पर ब्रेकफास्ट बोले तो थोड़ा सिर्फ चाय ही खाया हम दोनों ने, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया। तो अब टारगेट है जल्दी से जल्दी लखनऊ पहुँचना है, क्योंकि उसके बाद भी बहुत डिस्टेंस है दिल्ली के लिए। सो जल्दी से जल्दी लखनऊ पहुँचना है। लखनऊ का डिस्टेंस यहाँ से है 220 किलोमीटर। तो ये 220 किलोमीटर कर रहा था यहाँ पे, और मैंने ना वो चून लगाया थोड़ा, ताकि उसके डंक से जो जहर निकला है ना, वो ये चून पूरा चूस लेगा। गाइस फट के 4 हो गया आज, सीरियसली। मतलब गोरखपुर से लखनऊ आने में पूरा एनर्जी एकदम ख़त्म हो गया हम दोनों का ही। इतना धूप, मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर। और मैं तो सोचा था कि मैं गिर जाऊंगा, सर घूम के, सर चकरा रहा था, उल्टी सा आ रहा था, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। फिर मैंने ORS पी, उसके बाद थोड़ा ठंडा पानी पिया दोनों ने ही, उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा बहुत ठीक हुआ। लखनऊ पहुंचा, लखनऊ का जैम, मतलब सब कुछ मिला के ना एकदम ख़त्म। तो अब फिलहाल हम दोनों हैं एक रेस्टोरेंट पे आए हैं, क्योंकि दोपहर का खाना भी है, क्योंकि एकदम सामने आप लोग देख रहे हो, सामने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का एंट्रेंस है। और यहाँ पर खा के हम दोनों चले जाएंगे, एंटर करेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के अंदर। सो सब कुछ ठीक ठाक था, धूप ने आके गड़बड़ी कर दी, तो ये तो राइड का पार्ट है, धूप तो आएगा ही। भैया आके बैठे हैं, कुछ बोलिए इधर, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप यहाँ का रहने वाला हो? जी। अरे वाह, हम लोग बंगाल से आए हैं, वो चाह रहे हैं अब आज तो नोएडा में रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे हिमाचल प्रदेश। कहाँ से चले थे? बंगाल से। बंगाल से, तो इधर कहाँ से आ रहे?
इधर हम लोग रुके थे गोरखपुर में कल, तो आज नोएडा में रुकेंगे, कल फिर चंडीगढ़, उसके बाद मनाली। मनाली जाएंगे ठीक है। वैसे बहुत से लोग आते हैं, ये कैमरा भी आप ही का मेरा ही। ये आप हेलमेट में लगा के चलते होंगे वो पूरा, उस पर देखे हैं कई यूट्यूबर्स को। अब इधर दिखाई दे रहे इधर। अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, आप मेरे वीडियो में आ जाओगे? नहीं हम लोग चल रहा है ना उधर टाइम। हाँ चल रही है, हम लोग वीडियो में आ जाएंगे। खाना हो गया है और टाइम हो रहा है अब 3:39। यहाँ से नोएडा का जो डिस्टेंस है वो है 474 किलोमीटर, दिखा रहा है गूगल। तो 474 किलोमीटर जाने में लगेगा 7 hours 48 मिनट। कुल मिला के चलो आपके 8 hours गए हैं, क्योंकि हम लोग को रुकना भी तो है, एक्सप्रेस वे करते करते चले जाएंगे। सो गाइज सामने देख रहे हो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। सो यहाँ से सर्विस लेन स्टार्ट होता है। वैसे टोल देने के लिए जो जगह है वो थोड़ा सा दूर है। चलो इतना एक्साइटमेंट था कि मैं आगे चला गया। यहाँ पे फोटो तो बनता है बॉस। मुझे जैसा लग रहा है कि आप लोग ना आज रात का व्यू एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि हम लोगों को पहुँचते पहुँचते इधर दिखा रहा है 11 बजे पहुँचेंगे, लेकिन मुझे पता है कि थोड़ा आगे ही पहुँचेंगे। यहाँ पर दिखा रहा है 11:46, लेकिन मुझे जितना दूर तक लग रहा है कि 10:45 बजे शायद पहुँच जाएंगे। तो फाइनली टोल गेट और पैसा खर्चा करने का गेट आ गया है। यहाँ पे देना पड़ेगा टोल। आई डोंट नो कितना लेगा इस बार, बड़ा है या नहीं बड़ा है पता नहीं। पूरा कर दो भैया ना। 8261। हाँ पूरा कर दो आगरा तक। तो 325 रुपये का टोल लगा इधर, तो उधर लग रहा है कि शावर हो रहा है और हम लोग भीगने वाले हैं, ये कन्फर्म मुझे लग रहा है। आई डोंट नो, अगर होता भी है होने दो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, होने दो। बहुत गर्म सह लिया भाई। हाँ ये लग रहा था मुझे, लग ही रहा था। हम तो जानते थे। टैंक फुल कर दो। अच्छा ये साइड में सर्विस होगा, एक नॉट स्क्रू लगाना है इधर। हाँ स्क्रू लगा देंगे, नहीं सर्विस नहीं। स्क्रू लगा देंगे ना, ठीक है। कौन सा स्क्रू? वो ये सामने, ये फॉग लाइट देखिए। हाँ हाँ फुल कर दो। ओ भाई फाइनली टोल गेट मिला भाई। इसको ऐसे नहीं बोलते हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सप्रेस वे भाई।
पागल कर दिया यार सीरियसली। फिलहाल हम लोग हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे ही और ये फूड कोर्ट के सामने मैं पेट्रोल पंप पे खड़ा हूँ अब। सो ये यहाँ से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का जो टोल है वो करीब करीब 15 या 20 किलोमीटर के आसपास है। तो जो बात ये है कि हम लोगों ने ये प्लान किया कि आज हम लोग ना आगरा पे ही रुकेंगे, क्योंकि एक तो गोरखपुर से आ रहे हैं 244 किलोमीटर गोरखपुर टू लखनऊ, उसके बाद लखनऊ से आगरा 36 किलोमीटर 340 हो जाएगा होटल के आसपास। सो मतलब 550 560 600 हो जाएगा, ठीक है। सो श्री का भी पैर में दर्द हो रहा है और हम लोग घूमने आए हैं, कोई जंग तो लड़ने नहीं आए हैं। सो जिधर तक हमको परमिट देगा शरीर उधर तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। सो आज का जो डेस्टिनेशन है वो चेंज होके हुआ है आगरा। सो चलो आगरा तक चलते हैं, आप लोग मोटो ब्लॉग एंजॉय करो। फिलहाल मैं बिजी है होटल बुक करने। आपका नाम बोलिए पहले। मोहम्मद अय्यूब। अच्छा, बहुत मतलब एक खास रिक्वेस्ट था हम दोनों का कि स्पाइसी होना चाहिए और एक कड़ी होना चाहिए, तो अंकल ने बनाया है, मैं थोड़ा चख के देखता हूँ, ठीक है। आप टेस्ट करिए, टेक इन द स्पून, लेट मी चेक। सीरियसली भालो, इट्स गुड, सीरियसली गुड। एंड द बुज्जी, बुज्जी इज टू मच गुड, इट्स क्रंची आल्सो। ये तो हमारा तरह ही हो गया, मैंने उसी तरह तो बनाया, एकदम मैंने तो उसी तरह से बनाया जो आपकी स्टाइल है, तो मैं पहले बना चुका हूँ उसको। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी थोड़ा सो खाने में बैठ गए और मैं आप लोगों को नहीं बोला कि मैं कहाँ पर। सो आप लोगों को तो पता ही है मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे था, तो एक्सप्रेसवे जब ख़त्म होने वाला था तब मेरा बैटरी, गोप्रो का बैटरी हो गया ख़त्म, तो मैं कोई शूट नहीं किया। तो हम लोग आज रुके हैं आगरा पे और जिस होटल पे आके रुके हैं ना, सो देखो एक बार यहाँ का गेटअप, मतलब रेस्टोरों का गेटअप, होटल का जो रेस्टोर है उसका गेटअप कुछ ऐसा है, बहुत ही अच्छा है भाई, सीरियसली बहुत अच्छा है। इसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर जब भी आगरा आओगे तो इधर रहना भाई, सीरियसली हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ से यहाँ से ताजमहल सिर्फ 900 मीटर है, 900 मीटर। ये है कि राइट पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, टाइम इसलिए लग रहा है कि बारिश हो रहा है, बीच बीच में बहुत सारा बारिश फेस किया हम दोनों ने, और किसी किसी जगह पे इतना बारिश हुआ राइड ही नहीं कर पा रहा था। सो दैट्स वाई इतना लेट हुआ आगरा पहुंचने में, नहीं तो भाई बहुत पहले पहुंच जाता। मुझे तो मेरा तो प्लान था आज नोएडा पहुंचने का, पहुंच नहीं पाया। और एक टाइम होता है ना जब शरीर और नहीं देता है, ऐसे ही हुआ था आज मेरे साथ, शरीर नहीं दे रहा था क्योंकि इतना टाइम लग रहा था सब कुछ में, मतलब बहुत 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 हेक्टिक हो गया। सो चलो सो फार सो गुड, आगरा में है, बहुत इन्जॉय किया राइड, आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। तो पहला एपिसोड तो आप लोगों ने देख लिया, फीडबैक दे रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, शेयर करते रहना। लद्दाख सीरीज तो बस शुरू ही हुआ है, कितना सारा एपिसोड आएगा मुझे भी पता नहीं। सो दैट्स इट गाइस, और इस वीडियो में कुछ दिखाने का है नहीं, हम लोग पहुंच चुके हैं होटल पे, खाना भी हो गया है, अब सोना है क्योंकि कल भी जर्नी है नियर अबाउट 500 किलोमीटर का, और हम लोगों का तो नींद ही नहीं हो रहा है, मतलब 3 घंटा 4 घंटा ऐसे करके। अब थोड़ा बहुत एडिट करूंगा, उसके बाद सो जाऊंगा, बस और कोई काम नहीं है। सो दैट्स इट, आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग राइट हियर, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, दूसरे एपिसोड के लिए थोड़ा वेट करो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड राइड से। वीडियो अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर कर देना और शेयर करना मत भूलना।